तूने कभी परायों को अपना बना दिया, तूने कभी परायों को अपना बना दिया तो कभी अपनों को पराया बना दिया। माना कि तूने दूसरों को वक्त देना सिखा दिया, माना कि तूने दूसरों को वक्त देना सिखा दिया पर खुद को वक्त देना भुला दिया। हर वक्त मैं खुद से यही सवाल पूछता हूँ कि इस 2019 में वो 1998 वाला प्यार कहाँ है, इस ऑनलाइन फ्रेंड के जमाने में वो 1998 वाला यार कहाँ है। माँ की डांट है मगर वो पिता की मार कहाँ है। माना कि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यहाँ पर सबकी भरमार है लेकिन जिगरी दोस्त से जुड़े ऐसे तार कहाँ है। अब तो सिर्फ चैटिंग के बदौलत ही एक दूसरे से बात होती है, कहाँ वो महफिलों वाली रात होती है। ये टिंडर पे अनजान लोगों से मिलके प्यार की कसमें तो हजार खाओगे पर क्या अपनी माशूकों को दिया गया वो पहला कद भुला पाओगे। यहाँ तो कितने जितने अपने चाहने वालों को खत लिखाओगे, कोई भी नहीं। वाह, ऐसे मैसेज और मैसेजेस से तो सिर्फ मन जीते हैं, खत से तो दिल और भावनाएं जीती है। माना कि इस मोबाइल की वजह से अपने जीएफ और बीएफ का सारा हाल है मालूम। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं। सचू तुम्हारी कसम खा लिया, अरे आई लव यू। ओ माना कि तेरी वजह से जीएफ और बीएफ का सारा हाल है मालूम, पर माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ है। किसी के मैसेज के इंतजार में पूरी रात जगना सिखा दिया पर उन सपनों की गलियों में टहलना भुला दिया। न जाने क्यों ये जिंदगी सभी को बोर लगने लगी है, क्योंकि यादें दिल के बदले कहीं और शोर होने लगी है। यार इन यादों को कभी शोर नहीं किया जाता है उसे, बल्कि उसी लम्हे में जिया जाता है। पहले कैसे सभी दोस्त गलियों में खेल के खुश होते हैं पर आज सिर्फ तेरी वजह से एक दूसरे को टैग करके खुश होते हैं। माना कि पहले सहजता थी, ताजगी थी, बंदगी थी, जब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और मोबाइल नहीं था ना तब जिंदगी थी।